स्टार्ट टू डे नाउ हम देख रहे हैं वर्क फ्रॉम होम का 22 नंबर एपिसोड देख रहे हैं, और जिसमें कि हम स्पेयर सीख रहे हैं। स्पेयर स्पेयर एक मेंस्ट्रुएशन का एक कंटेंट है उसमें से। तो स्पेयर यानी क्षेत्रमिति जो हम सीख रहे हैं, जिसको स्पेयर को आप हिंदी में गोला भी कह सकते हैं। इसमें तो एक्चुअली गोला होता है क्या है, तो उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। उसके बारे में हम कुछ उसके फार्मूला क्या है और उसके हम प्रैक्टिकली नॉलेज में प्रैक्टिकली हम कैसे इस्तेमाल करते हैं उसके फार्मूले, उसका डायमेंशन निकालने के लिए इन कंपनी में या वर्कशॉप में या जनरल लाइफ में, उसके बारे में जानकारी भी ले रहे। तो चलो डिस्कस करते हैं हम स्पेयर के बारे में। तो स्पेयर होता क्या है, स्पेयर इज नॉर्मल लाइक अ बॉल, एक बॉल के समान होता है जो स्पेयर, जो पूरा टोटल एक सॉलिड बॉल होता है। तो यहाँ पे मैंने राइट डाउन कर चुका हूँ यहाँ पे, अ स्पेयर इज अ ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट। स्पेयर क्या है, एक ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है इन थ्री डायमेंशन स्पेस में। ये थ्री डायमेंशन स्पेस है, दैट इज लाइक अ सरफेस ऑफ स्पेस, बॉल, सरफेस ऑफ बॉल। बॉल जो होता है हमारा, वो बॉल आप इमेजिन कीजिए, बॉल है, सिंपल है। वो तीनों डायरेक्शन से आप देखेंगे तो आपको सर्कल ही टाइप के दिखेगा, इट्स मीन थ्री डायमेंशन दिखेगा वो आपको, उसको ही हम स्पेयर कहते हैं। और स्पेयर के बारे में जिसको हम उसका एरिया निकालना रहा, वॉल्यूम निकालना रहा, तो वो कैसे निकालेंगे इसके रिगार्डिंग कुछ मैंने कुछ एग्जाम ये फार्मूला लिखे हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो नॉर्मली हमारे ये स्पेयर है जिसको आप गोला भी कह सकते हैं। तो ये इसमें देखिए कि एक इसका एक सेंटर तो पॉइंट होगा, वो पॉइंट से हम इसको और यहाँ से बॉर्डर तक सर्कमफेरेंस के इसको हम जो रेडियस कंसिडर करते हैं, और इसका जो डबल पार्ट होगा उसको हम डायमीटर कंसिडर करते हैं। जैसे कि राइट डाउन कर चुका हूँ मैं यहाँ पे, आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सरफेस, ओके, आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ स्पेयर। देन डी क्या हो जाएगा, ये डी इज ए टोटल, ये डबल आर हो जाएगा यानी डायमीटर हो जाएगा। तो डी इट्स मीन डायमीटर ऑफ स्पेयर हो जाएगा, ओके। और जैसे कि आप सभी को पता है कि रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ डायमीटर, यानी डायमीटर का आधा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं, ओके। अब उसके बारे में जानकारी लेते कि स्पेयर में उसका वॉल्यूम कैसे निकाला जाएगा। अब नॉर्मली ये रिगार्डिंग टोटल एक सर्कल है, तो इसके पहले मैं सर्कल एक कंटेंट मैं पढ़ा चुका हूँ और वो लास्ट एपिसोड में आपको, तो उसके बारे में मैं एक ऊपर लिंक दिया है, वो आप वहाँ पे रेफरेंस कर सकते हैं। उसके बारे में सर्कल का एरिया, पेरीमीटर वगैरह या सर्कमफेरेंस के निकालने के बाद डिटेल्स वहाँ पे दी है। तो अगर वो आपने एपिसोड देख चुका होंगे तो ये बिल्कुल आपको ईजी होने वाला है अभी। तो इसके वॉल्यूम निकालने का तरीका क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब होता है। यानी इसका हमें वॉल्यूम निकालना रहा तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। और अगर आपको रेडियस डायरेक्ट दिए तो रेडियस का इस्तेमाल कीजिए यहाँ पे, अदरवाइज अगर डायमीटर दिए तो डायरेक्ट डायमीटर भी यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं। तो उसका भी फार्मूला है पाई बाय 6 डी क्यूब, डी यानी यहाँ पे डायमीटर ऑफ स्पेयर हो रहा है और आर यानी यहाँ पे रेडियस ऑफ स्पेयर हो रहा है। तो आप चाहे को रेडियस दिए रहेंगे जो है तो आप रेडियस यहाँ पे रख दीजिए, और डायमीटर दी रहे तो आप डायमीटर रख दीजिए। अब नॉर्मली यहाँ पे देखिए, तो रेडियस ये हो या डायमीटर हो, इसका पावर क्यूब है यानी 3 times हो चुका है। तो जिसका यूनिट जो भी होगा वो 3 times हो चुका होगा, इसका भी यूनिट 3 times, तो इसका यूनिट भी मैंने पावर 3 लिया यानी 3 times होगा, जो भी यूनिट रहेगा इसका वो 3 times होने वाला है। ये हो गया इसका वॉल्यूम निकालने का तरीका। एक और एक है इसमें कि इसको जो बॉल वगैरह है हमारा, तो उसका टोटल सरफेस जो आउटर रिंग का जो टोटल सरफेस रहेगा, वो टोटल सरफेस एरिया का निकालने का फार्मूला क्या रहेगा, तो उसका फार्मूला क्या रहेगा, 4πr² 4πr². अब यहाँ पे आप देख रहे पा रहे होंगे 4πr² मैंने यहाँ पे लिख दिया, और आपने आपको पता है कि पाई आर स्क्वायर ये सर्कल का एरिया का फार्मूला था, सर्कल का एरिया का फार्मूला था, लेकिन इसको मैंने क्या कर दिया, इनको फोर डाई इसमें कर दिया, इंटू फोर कर दिया, पाई आर स्क्वायर इंटू 4 times किया। तो इस हिसाब से इसका टोटल सरफेस एरिया भी यहाँ पे आप निकाल पाओगे। तो इस तरह से आप ये फार्मूले के रिगार्डिंग रेडियस, डायमीटर, इसका स्पेयर भी निकाल पाओगे और वॉल्यूम भी आप स्पेयर भी निकाल पाऊंगा। आई होप ये आपको स्पेयर क्या होता है इसके डिटेल जानकारी लेके हम इसके कुछ एग्जाम्पल भी देते हैं। तो चलते हमारे कुछ एग्जाम्पल की तरफ। तो अभी आप देख पा रहे हैं हमारा एग्जाम्पल है भी, फाइंड द वॉल्यूम
एंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ 3 सेंटीमीटर रेडियस, यानी एक वो स्फीयर दिया है, वो स्फीयर का आपको 3 सेंटीमीटर रेडियस दिया है, ये आपका ये हो ऐसा लाइक दिस, ऐसा स्फीयर होगा ये, ओके ये स्फीयर हो गया, और इसमें आपका एक रेडियस दिया है, यहाँ पे एक रेडियस दी है आपको, वो है आपको यहाँ पे आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर दी है। अभी क्या निकालना है यहाँ पे आपको, इसका वॉल्यूम निकालना है एंड अदर इज सरफेस एरिया निकालना है, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो हम चलते हैं इसका, हाँ हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको हमारे पास इसको निकालेंगे वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फार्मूला है हमारे पास, वॉल्यूम इज इक्वल टू 4 बाय 3 पाई आर क्यूब, ठीक है जो अभी मैंने बताया इसका, तो इसका फार्मूला हो गया 4 बाय 3 पाई आर क्यूब। तो इसमें हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, और इसका यूनिट भी पावर ध्यान में रखिए, इसका यूनिट 3 टाइम्स है, तो इसका जो यूनिट रहेगा जैसे कि आर, आर यानी 3 सेंटीमीटर हो रहा है यहाँ पे, आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर हो रहा है, तो ये 3 टाइम भी हो जाएगा। तो मैं इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ, 4 बाय 3 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू है 3, तो 3 का पावर 3, ओके। मैं इसको सॉल्व आउट कर देता हूँ, सॉल्व आउट करने बाद इसका रिजल्ट आ रहा है 113.1। अब देखो ये इसका ये आर कितनी थी, 3 था, 3 यानी 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर कितने का पावर के उतना है 3, तो यहाँ पे इसका पावर हो जाएगा सेंटीमीटर का पावर 3 हो जाएगा। इस हिसाब से आप इसका वॉल्यूम निकाल पाओगे। तो आप कैलकुलेशन के साथ साथ में इसका यूनिट भी ध्यान में रखते जाइए, अदरवाइज ऐसा हो जाएगा कि आप इसका यूनिट सेंटीमीटर या स्क्वायर में लिख दे जाऊंगा और इधर आए हो, इधर आप बता रहे हो कि वॉल्यूम निकाल रहे हैं, तो ये थोड़ा गलत हो जाएगा। आप वॉल्यूम निकाल रहे हो तो साथ में उसका इसका यूनिट भी लिखना जरूरी हो जाता है। तो ये हम यहाँ से निकाल चुके हैं, वॉल्यूम निकाल चुके हैं, देन टोटल सरफेस एरिया भी निकाल लेते हैं अभी इसका। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या था, 4 पाई आर स्क्वायर, ओके। तो 4 पाई की वैल्यू, डू यू नो पाई, यस आई नो इट, 3.142 भी डाल सकते हैं या 22/7 भी सकते हैं। तो पाई की वैल्यू हम डाल रहे हैं यहाँ पे 22/7 इंटू आर की वैल्यू दी है आपको, रेडियस में जो है दिया है 3 का स्क्वायर दिया, ओके। तो हम इसको भी शॉर्ट आउट कर लेते हैं, इसको भी हम आंसर निकाल लेते हैं, 4 इंटू 22/7 इंटू 3 का स्क्वायर है, तो इसका भी आंसर आ जाएगा 113.1 सेंटीमीटर स्क्वायर में, इसका स्क्वायर में था तो यूनिट भी आपका स्क्वायर में आएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप इसका वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं और इसका टोटल सरफेस एरिया भी निकाल सकते हैं। तो आपको आई होप ये आपको स्फीयर जो दिया है था, उस स्फीयर का रेडियस दिया था, इस हिसाब से आप विद यूजिंग द फार्मूला ऑफ स्फीयर वॉल्यूम निकल सकते हैं और विद यूजिंग आप फार्मूला ऑफ टोटल सरफेस एरिया, इसका आप टोटल सरफेस एरिया भी निकाल चुके हैं। आई होप ये आपको समझ चुका होंगे। तो इस हिसाब से हम अब एक एक एग्जाम्पल और लेते हैं, उसमें आपका बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझ में आपका क्लियर हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं एग्जाम्पल, हाउ मेनी स्पेरिकल बॉल्स ऑफ 1 सेंटीमीटर रेडियस कैन बी मेड फ्रॉम स्पेयर ऑफ 32 सेंटीमीटर डायमीटर्स। यानी कि यहाँ पे हमारे पास एक स्पेरिकल बॉल है जिसका डायमीटर 32 है, ऐसा एक बड़ा सा एक बॉल है, ओके। और इसके बाद हम ऐसे छोटे छोटे एक से बॉल बनने वाले हैं, अभी कितने रह गए पता नहीं है इसे, ओके। अब इस पे क्या कर रहे हैं हम, ये ब्रेक होने वाला है, ये टोटल इसका डायमीटर है, ये डायमीटर है इसका 32,
देन इसके जो हम निकालेंगे ये जो ऐसे रेडियस वाले ऐसे कुछ बॉल इसके बॉल बनने वाले हैं, स्फेरिकल बॉल बनने वाला है जिसका रेडियस रहेगा 1 सेंटीमीटर वाला, ये 1 सेंटीमीटर वैसे बॉल बन गया है। मेन मेन है स्फेरिकल बॉल जिसका डायमीटर है 32 डायमीटर है, और ऐसे छोटे छोटे से ऐसे स्फेरिकल बॉल बनेंगे इससे। ओके वॉल्यूम इतना रहेगा, अब इतने वॉल्यूम में ऐसे कितने बॉल बनने वाले हैं एग्जाम्पल पहले समझ लीजिए, उसके बाद आपको सॉल्व करने में इजी जाएगा। मेन बॉल दिया है 32 डायमीटर स्फेरिकल का दिया स्फेयर, और उसके बाद में इसके क्या बनेंगे बॉल बनाना है हमें 1 सेंटीमीटर रेडियस के, ऐसे कितने बॉल बनने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कैसे बनेगी करके। तो जैसे कि बताया गया है कि 1 स्फेयर, ठीक है, तो नंबर्स ऑफ बॉल्स इनटू स्मॉल बॉल का जो वॉल्यूम रहेगा इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ बिगर स्फेयर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ बिगर स्फेयर का इधर इस साइड में। ओके सेम एक बॉल में जो बिगर वाला ये है स्फेयर है उतने जो वॉल्यूम में अभी क्या बनेंगे छोटे वाले बनेंगे स्मॉल वाले। तो हम लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्पेयर इनटू इनटू अब कितने बनेंगे यह हमें पता नहीं है, इसलिए हम क्या देते हैं नंबर्स ऑफ बॉल्स कर देते हैं हम यहाँ पे नंबर्स ऑफ बॉल्स। ओके तो एक बार समझ लेते हैं कि अभी एक मेन स्पेयर दिया है जो जिसका भी बिस्कम बोल रहे हैं कि ये बिगर वाला स्पेयर है यानी बड़ा वाला गोला है, इज इक्वल उत्तेज गोले में उत्तेज वॉल्यूम में इसके छोटे छोटे गोले बनेंगे। ओके अब ये स्मॉल गोले भाई इधर बन रहे हैं स्मॉल स्पेयर बन रहे हैं। ओके और कितने गोले बन रहे हैं ये पता नहीं, इसलिए हमने नंबर्स ऑफ बॉल्स ऐसा लिख दिया यानी कितने बनाना है वो। तो अभी हमें दिया ये तो आइडिया नहीं है कितने बनेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे राइट डाउन कर लेता हूँ इसको। वॉल्यूम ऑफ बिगर स्पेयर कितना था यहाँ पे हमारे पास दिया, इसका फार्मूला लिख देते हैं। इसका फार्मूला था 4 बाय 3 पाई r³। ओके और पाई आर क्यूब लिख देते हैं यहाँ पे, और इस साइड में है वॉल्यूम ऑफ स्मॉल पेयर, वो भी सेम फार्मूला रहेगा 4 बाय 3 पाई r³ ही रहेगा, और इनटू नंबर ऑफ बॉल यानी मैं ये यन कर देता हूँ इसको, नंबर ऑफ बॉल के लिए मैं यहाँ पे यन राइट डाउन कर देता हूँ। ठीक है अभी बड़े स्पेयर की बात कर रहे हैं, बड़े स्पेयर में इसका रेडियस कितना था वो राइट डाउन कर लेते हैं। तो बड़े के स्पेयर की बात हो रही है तो डी इज इक्वल टू 32, तो स्मॉल के आर इज इक्वल टू हो जाएगा 16 हो जाएगा। ओके तो मैं यहाँ पे इसको 4 बाय 3 इसके पहले मैं यहाँ पे कुछ और शॉर्ट आउट होता क्या वो देख लेता हूँ। यहाँ पे पाई पाई ये कॉमन है तो पाई पाई मैं यहाँ पे मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ, दोनों में कॉमन आने वाला है। ओके अभी आप सोच रहे हो कि आर आर बी को ऐसा कॉमन है इसको मैं कैंसिल करना चाहिए, पर नहीं वो नहीं करना है हमें, क्योंकि ये बड़े स्पेयर के बारे में हम रेडियस के बारे में जानकारी ले रहे हैं यहाँ पे, और इधर ले रहे हैं स्मॉल, तो दोनों का अलग अलग आ रहा है यहाँ पे, तो इसलिए मैं हम उसको अभी कुछ और कुछ नहीं करेंगे। 4 बाय 3 और r³ कितना दिया था बाबा ये बड़े वाला का है तो इंटू 16 इंटू 16 इंटू 16। ओके अब इधर बात कर रहे हैं 4 बाय 3 स्मॉल आ रहे हैं, तो स्मॉल आर का रेडियस आपको दिया था यहाँ पे निकालना 1 सेंटीमीटर वाले के लिए, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू अभी यन यन इंच में क्या है था यहाँ पे नंबर ऑफ बॉल, ये हो गया। अभी यहाँ पे हम कुछ कैंसिल कर देते हैं, ये भी कैंसिल हो जाएगा 4 बाय 3 ये भी कैंसिल हो जाएगा, अब इसका इंटू हो करवा लेता है और इसका इंटू हो जाएगा अभी
4096 इज इक्वल टू यन, ये हो गया। अब यन क्या था हमारा, यन था नंबर्स ऑफ बॉल्स, यन इज इक्वल टू 4096, ये ऐसे थे बॉल्स बनेंगे इसके, स्पेरिकल बॉल बनने वाले हैं और यही हमारा आंसर रहेगा। आप समझ चुके होंगे कि आपको एक स्पेरिकल बॉल दिया था बड़ा वाला ऐसा, जिसका डायमीटर 32 था, और आपको इसी वॉल्यूम में ऐसे छोटे छोटे ऐसे 1 रेडियस वाले आपको ऐसे छोटे छोटे से बॉल बनाना था। तो इस हिसाब से अभी ये दोनों में चीज कॉमन थी कि इनका वॉल्यूम जितने बड़ा स्फेयर का वॉल्यूम रहेगा उतने स्फेयर में आपको छोटे छोटे बॉल बनाना था, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया था वॉल्यूम ऑफ बिग स्फेयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फेयर। इसका फार्मूला राइट डाउन किया था स्फेयर वॉल्यूम का, वो भी फार्मूला है वो सेम है। और अभी कितने वो गोले बनने वाले हैं स्मॉल वाले स्फेयर वाले ये पता नहीं था, इसलिए मैंने नंबर्स ऑफ बॉल ऐसा लिख देते हैं। अब इसमें था दोनों में कॉमन पाई कॉमन था, तो दोनों में तो इसलिए पाई कैंसिल कर देता, इधर 4। फिर यहाँ पे आर क्यूब, आर यानी बड़े का वॉल्यूम था, इसलिए मैंने आई बड़े की वैल्यू यहाँ पे 32 16 या 32 था डायमीटर था, इसका रेडियस 16 का हो गया था हाफ, तो मैंने यहाँ पे 16 रखा दिया था। अब स्मॉल का था यहाँ पे, ये स्मॉल का रेडियस था, स्मॉल की रेडियस थी 1 थी यहाँ पे, इसलिए मैंने रेडियस यहाँ पे 1 राइट डाउन किया था। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन किया था 4096 और इसका इंटू करने के बाद यन। अब यन क्या हो गया था, यन मीन नंबर्स ऑफ बॉल, तो नंबर्स ऑफ बॉल इज इक्वल टू 4096 बॉल, इतने बॉल बनेंगे। काय में बनेंगे, एक आपको जो स्पेयर दिया है 32 डायमीटर में उसमें 1 सेंटीमीटर रेडियस वाले 4096 बॉल यहाँ पे बनने वाले हैं। आई होप इस तरह से आप स्पेयर के बारे में जानकारी हासिल कर चुके होंगे और आपको समझने में इजी होगा हुआ होगा। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे एंड करते हैं, एंड थैंक यू वेरी मच।